Hey everyone, this is Sakina Ali and welcome back to our channel. तो चलिए दोस्तों, आ गया है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि था हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड, ठीक है, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ में सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताते जाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें कि उनको भी हेल्प हो सके, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल। पेपर भी बिल्कुल पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो बच्चों को बड़ा है कि किस टाइप के आएंगे किस टाइप के नहीं, उसी के लिए वीडियो बना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप हम लोग से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ नोट्स वगैरह प्लस क्विज हमारी रोज होती रहती है, तो आप उसमें भी इंक्लूड हो सकते हैं। साथ ही साथ उसी से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता रहेगा। बहुत नजदीक एग्जाम्स आ गए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के। जैसे कि हम लोग ने बात कही थी हम चैप्टर वाइज देखेंगे, तो आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले जो कि हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ठीक है चलो आज हम लोग देखते हैं। अब ये कुछ है हमारी तीनों यूनिट्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सी यूनिट कितना वेटेज रखती है। जैसे अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, 40 मार्क्स वेटेज रखती है। सेकेंड यूनिट सबसे कम और थर्ड यूनिट 20 मार्क्स वेटेज रखती है। तो चलिए ये क्या है हमारी, ये हमारी ब्लू प्रिंट है कि जो सिब्बे से हमें 2000 इसी साल इशू की, मतलब 2020-21 में, ठीक है। तो अब ये इसको देख लीजिए आप लोग के ब्लू प्रिंट किस तरीके से, ये भी मैंने वहीं की वेबसाइट से निकाल के डाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहली चीज़ देखेंगे पाइथन टूर, ठीक है। पाइथन रिवीजन टूर में ये वो सारी चीज़ें कि जो हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा है कि ये सारे आइडेंटिफायर्स, टोकन, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और लूपिंग वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस इसमें रहने वाले। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं इसे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को रूल्स पता होने चाहिए। व्हाट आर द रूल्स फॉर वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, लाइक आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट बट इट कैन कंटेन डिजिट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कैसे लिख सकते हैं, कीवर्ड्स आर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। थर्ड इज ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर्स। ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को ये आ गया, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स कैसे बताएंगे, अब इसमें हमें एग्जामिनर ने आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टेप्स लाइक टाइप ऑफ टोकन्स में आप लोग को कह सकते हैं कि कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर, पंचुएटर्स, ऑल दीज आर टोकन्स और टाइप ऑफ टोकन्स, ठीक है। लाइक अब कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट, इफ, वाइल, ये सब चीज़ दे दी, और इसमें से पता लगाना है आप लोग को कि टाइप ऑफ टोकन्स कौन कौन से, मीन्स क्या हो गया। अगर मेरा इफ क्या है, इफ इज़ अ कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड है ना, ये तो कीवर्ड हुआ। नेम ऑफ स्टूडेंट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिफायर हो गया। अगेन हमारा वाइल हो गया, क्लास हो गई, तो क्लास और वाइल क्या है, कीवर्ड से की इसकी चीज़ें, ये पाइथन को ऑलरेडी इसका मतलब पता है, रिजर्व्ड है ये हमारे पाइथन में। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग को ट्राई दिया है, पर ट्राई जो टी है उसमें वो हमारा कैपिटल है, ठीक है, ये वाला ट्राई, ठीक है। अब ये ट्राई दिया है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ये ट्राई क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। बिकॉज इन पाइथन देयर आर ओनली 3 कीवर्ड्स जिसमें हम फर्स्ट अल्फाबेट्स किससे, कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स एंड नन, ठीक है, जिसमें पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है, कैपिटल होता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारे, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस है, डेट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन से एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये हमेशा 2 मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या होता है, जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 एरर्स होती है,
तो आपको इसको करेक्ट करना होता है एंड देन लिखना होता है। तो जहाँ जहाँ एरर्स है ना बच्चों, वहाँ आप लोग को अंडरलाइन करना है। जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, जो प्रोग्राम दिया हमें उसने लिखा कि जो करेक्टेड वर्जन में लिखा है उसके नीचे, जैसे ये ट्राई, तो अगर ये गलत लिखा था तो मैं सही करके लिखा करेक्टेड वर्जन में, तो उसके नीचे मुझे अंडरलाइन करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, अलग पेन भी यूज़ कर लिख सकते हैं। अगर पूरा सॉल्यूशन पूरा प्रोग्राम ब्लू कलर से लिखा है तो जहाँ जहाँ एरर्स है उसको आप ब्लैक से मार्क करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, लाइक लूपिंग, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है। ये जैसे कि हमारी मार्किंग स्कीम चेंज हुई है, तो अगर ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है MCQs टाइप में, ठीक है, और 2 to 3 मार्क्स में तो आता ही आता है, आएगा ही, ठीक है। तो ये हमेशा आता है, याद रखना। लास्ट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को हमेशा याद रखना है, ठीक है, आपको लर्न होने चाहिए। एंड दे बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, लाइक वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो उसमें कैसे होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। सिमिलरली लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन, ये सारी चीज़ें होते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि जैसे आप लोग को पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, फ्लोर डिवीजन और डिब्रेशन ऑपरेटर, तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसा पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, तो आप लोग को क्या बताना पड़ेगा, प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग लिखना है, छोटा सा एग्जांपल देके वर्किंग समझा देना उसकी, और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आप लोग को अच्छे से बताना है, ठीक है। जैसे इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू बिलोंग्स टू रिलेशनल ऑपरेटर, वैसे ही आप लोग को कैटेगरी बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अवर नेक्स्ट इज, अब हम लोग के पास इवेलुएट द एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस हो गए, इनबिल्ट फंक्शंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे, ठीक है। स्लाइडिंग ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस पे आ सकते हैं, कोई डिक्शनरी दी है उसकी की वैल्यूज को हम लोग को डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। हमारा इवेलुएट द एक्सप्रेशन, ये हमेशा 2 मार्क्स में आता है और 2 पार्ट्स में आता है हमेशा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ पाइथन सिक्वेंसेज, तो लाइक विच फंक्शन इज़ यूज टू कैपिटलाइज द अल्फ़ाबेट ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग, या पहले वर्ड को करना हो स्ट्रिंग की, या मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना हो, या विच फंक्शन इज़ यूज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो जो इन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो किस में आते हैं, हमारे इनबिल्ड फंक्शन ऑफ अ पाइथन सिक्वेंसेस, ये क्या है हमारे इनबिल्ड फंक्शन से पाइथन के। अब देखो दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन, किस पे बेस्ड आना चाहिए हमारे, स्लाइसिंग ऑपरेशन। अब स्लाइसिंग ऑपरेशन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेशन किस किस पे लगता है, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब आप लोग को गिवन होगा। बेस्ड अपॉन द सिक्वेंस यू हैव टू परफॉर्म स्लाइसिंग ऑपरेशन। याद रखना बच्चों कभी भी डिक्शनरी पे स्लाइसिंग ऑपरेशन नहीं लगता, डिक्शनरी पे, ठीक है। अब क्यों नहीं लगता है ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में रीज होना चाहिए, है ना, तो बिकॉज डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, इट इज़ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स वाई डिक्शनरी पे हम लोग कभी स्लाइसिंग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज क्रिएट अ डिक्शनरी विथ वैल्यूज एंड कीज गिवन, तो आपको कुछ कीज और वैल्यूज गिवन होगी एंड यू हैव टू राइट इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट, ठीक। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस पे रहने वाले, कॉन्किटेनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं कैसे परफॉर्म होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स पे हम लोग को आ सकता है, एक छोटा सा कंसेप्चुअल प्रोग्राम आ सकता है हम लोग को स्ट्रिंग लिस्ट इस पर, तो वो चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से करनी है, डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या होता है, कॉन्केटिनेशन मीन्स क्या होता है, प्लस ऑपरेटर, ठीक है, एंड अब रेप्लिकेशन का मतलब मैं बताऊँ तो ये वाला जो हमारा स्टार ऑपरेटर आता है ना, ये वाला, इसमें आ सकता है कि 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो या 2 लिस्ट को ऐड करना हो, बट रिमेंबर टपल एंड लिस्ट कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, एक टपल और लिस्ट दोनों को नहीं करवा सकते। अब अगर हम लोग ये तो कॉन्केटिनेशन की बात हुई कि 2 स्ट्रिंग को ऐड करवाना हो, 2 लिस्ट को ऐड करवाना हो, है ना, रेप्लिकेशन की बात करें तो अगर हम लोग, तो नाउ इन रेप्लिकेशन इट कैन रेप्लिकेट एनी स्ट्रिंग लिस्ट और टपल, कितने टाइम्स भी रेप्लिकेट हो सकती है जितने टाइम्स हम उसको इंटीजर पास करेंगे, ठीक है, *2, *3 तो 2 बार रेप्लिकेट होगी, वैसे ही कोई भी इंटीजर में यहाँ पास करूँगी तो वो उतनी टाइम्स रेप्लिकेट होगी, कोई भी स्ट्रिंग लिस्ट और टपल, ठीक है।
अब चलो नेक्स्ट क्या है, स्मॉल कंसेप्चुअल बेस्ड प्रोग्राम ऑन लिस्ट और स्ट्रिंग। तो ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसा आ सकता है आप लोगों को कि हम लोग को छोटा सा कोई भी प्रोग्राम दे दिया, लिस्ट, डिक्शनरी या स्ट्रिंग, किसी पे। मेनली किस पे आता है, लिस्ट और स्ट्रिंग पे। नेक्स्ट इज कैटेगराइज द सिक्वेंसेज इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वी हैव टू म्यूटेबल टाइप्स इन आवर सिलेबस। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है लिस्ट और दूसरा होता है डिक्शनरी। ठीक है, एक्सेप्ट लिस्ट और डिक्शनरी लाइक योर नंबर, स्ट्रिंग, टपल, दीज आर योर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, अब इम्यूटेबल का मीन्स क्या होता है? ठीक है, कि हम इसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट डू द चेंजेस। ठीक है, अब अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि म्यूटेबल बताओ और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली डेफिनेशन लिखना, एक एग्जांपल देना उसके साथ कि कैसे क्या परफॉर्म करता है, और बताना कि कौन कौन से म्यूटेबल परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से इम्यूटेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फंक्शंस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम लोग को अगेन क्या होता है, एक डेफिनेशन आती है, हम लोग को छोटा सा प्रोग्राम भी आ सकता है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के डिफरेंसेस हो गए, ग्लोबल एंड लोकल स्कोप के डिफरेंस हो गए, कीवर्ड्स हो गए कि लोकल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ग्लोबल कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो चलते डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं इसे भी। हमारे फंक्शंस की, कि फंक्शंस में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम लोग को थ्योरिटिकल प्लस डेफिनेशन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज डेफिनेशन, कि किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड, डिफॉल्ट, तो सिर्फ डिफॉल्ट एंड था, ठीक है, ये सिर्फ डी था, डिफॉल्ट एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग को डेफिनेशन आएगी तो हम डेफिनेशन तो आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग को आ गया तो फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स में क्या पूछे जा सकते हैं, तो मैं मेनली बता दूँ इसमें हमेशा डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस पूछे गए सेम एज इट इज़, लोकल और ग्लोबल पैरामीटर्स या स्कोप में भी हम लोग को डिफरेंसेस पूछे गए। ग्लोबल कीवर्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कीवर्ड, कैसे यूज़ होता है, छोटा सा एग्जांपल देना, छोटा सा प्रोग्राम बना के बताना कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए ये काम आता है। तो हम लोग को कोई कंसेप्चुअल प्रोग्राम आ सकता है, किस पर फंक्शन पे आ सकता है, ठीक है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग को बताना हो, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। म्यूटेबिलिटी पे आ सकते हैं हमारे। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं और इसके सबके आंसर्स भी बताते जाती हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है कि अ स्मॉल कंसेप्चुअल प्रोग्राम टू राइट अ फंक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, छोटा सा कोई भी एक फंक्शन लिखना है एंड परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट। ठीक है, प्रोग्राम आ सकता है ना, कोई भी प्रोग्राम लिख के बताना है। ठीक है, ना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा हर साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये हमेशा 110% आ सकता है। सिंपल लाइक जिसमें आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता हो, प्लस इसमें आप लोग की म्यूटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, जिसमें आप लोग की म्यूटेबिलिटी होती है, जैसे वाइल फाइंडिंग द आउटपुट में कुछ म्यूटेबल डेटा टाइप्स देती है। ठीक है, अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब म्यूटेबल डेटा टाइप पास कर रही हूँ मैं किस में, एक लिस्ट में, किस में पास करा है हमने, एक लिस्ट में म्यूटेबल डेटा टाइप पास करें। जो भी आपके चेंजेस करोगे ना, वो फंक्शन जो चेंजेस करेगा, वो आपकी जो इनिशियल पहले लिस्ट बनाई थी, वो ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस अकर होंगे। ठीक है, आपने जो भी पहले लिस्ट बनाई थी, अब आपने चेंजेस करे इस लिस्ट में, तो वो जो हमें इनिशियल लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट में भी वो चेंजेस होंगे। तो ये कुछ थे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे हमारे। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आज इस वीडियो में हम लोग ने पाइथन टूर करा है, प्लस हम लोग ने फंक्शन वाली सारी चीज़ें देखी है और कितने सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। अगर आप लोग ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग तक लाते रहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लस बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोग के लिए और ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। प्लस मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुझसे और कैसी वीडियोज़ चाहते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।